हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर फैशन। आज मैं आपको अम्ब्रेला स्कर्ट में जो हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि अम्ब्रेला स्कर्ट या फुल अम्ब्रेला स्कर्ट में हम कमर का मेज़रमेंट कैसे लें, ये समझ में नहीं आता है, कभी कमर बड़ी हो जाती है कभी छोटी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि स्कर्ट में कमर जो ली जाती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे इलास्टिक वाला बना रहे हैं या आप उसमें नाड़ा डाल रहे हैं। अगर आपको इलास्टिक वाली स्कर्ट बनानी है तो वहाँ पर आपको हिप राउंड लेना रहता है, क्योंकि अगर आपके हिप पे से स्कर्ट ऊपर जाएगी तो ही आप उसे पहन पाएंगे या उतार पाएंगे। तो इसलिए आपको अगर इलास्टिक वाली स्कर्ट बनानी है तो उसके लिए आप हिप का मेज़रमेंट लें, और अगर आप उसमें नाड़ा डाल रहे हैं और साइड में जिप लगा रहे हैं, लटकन वटकन की आजकल स्कर्ट जैसी चल रही हैं, लहंगे जैसा लुक आता है जिनका, तो उसके लिए आपको अपना वेस्ट राउंड यानी कि कमर का ही हिस्सा लेना रहता है, क्योंकि उसमें साइड में चेन लग जाती है ना, तो वो इजीली आप वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हाफ अम्ब्रेला और फुल अम्ब्रेला में आपको कितनी कमर लेनी है उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये कमर ली गई है, आई होप इसमें आपकी ज़्यादातर नाप आई जाएंगे। मैंने जो ये मेज़रमेंट तैयार किया है यहाँ 28 इंच से लेकर मैंने 44 इंच तक रेडी किया हुआ है। तो देखिए, आपको कमर अगर हाफ़ अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है, जो कि हम 3 मीटर में आसानी से बना लेते हैं हाफ अम्ब्रेला, तो उसमें आपको ये इस तरह से ये वाला नाप लेने रहेंगे। और अगर आप फुल अम्ब्रेला बनाते हैं जिसे हम 4 फोल्ड कपड़ा करके लेते हैं, उसमें आपको ये वाला नाप लगाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले छोटा सा डेमो बता देती हूँ पेपर पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया हुआ है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है तो हम इसे सबसे पहले करेंगे डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड के बाद हम इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट होती है। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि अगर मैं 32 कमर के लिए बताऊँ, तो यहाँ पर 10.2, तो यहाँ से आपको 10.2 लेना रहेगा, और यहाँ से एक जैसा नाप आपको लेना रहेगा, और यहाँ से हम इसमें कमर निकाल देंगे। तो ये आपकी 32 का यहाँ 4th पार्ट बिल्कुल सही से आपकी कमर मेज़र हो जाएगी अगर आप हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से जब आप स्कर्ट बनाएंगे और यहाँ से आपकी जो भी लेंथ आ जाएगी, तो ये पेपर जब ऐसे खुलेगा और ये पेपर जब इस तरह से खुलेगा, तो आपका पूरा यहाँ से सर्कल आएगा इस तरह से। तो ये हाफ अम्ब्रेला है ना, ये पूरा हाफ हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ अम्ब्रेला, जो हम ट्रायंगल कपड़ा करके लेते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है तो हम इसका क्या नाप लेंगे, 5.1, यानी आप देखें इसका जस्ट ये आधा हो जाता है, क्योंकि फुल अम्ब्रेला हो जाएगा ना। तो आप कपड़े को पहले 4 फोल्ड करेंगे, और 4 फोल्ड के बाद कॉर्नर से आप यहाँ 5.1 लेंगे, और यहाँ 5.1 का इस तरह से निशान लगाएंगे, और एक इस तरह से गोलाई में निशान लगा देंगे। फिर आपकी जो भी स्कर्ट का नाप होगा वो आप इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ जब आप इस पेपर को खोलेंगे तो आपका ये पूरा फुल अम्ब्रेला स्कर्ट यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा रहेगा। तो इस तरह से आपको स्कर्ट के नाप लेने हैं। तो ये जो पेपर है, आप इसकी मदद से किसी भी स्कर्ट में हाफ अम्ब्रेला फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस कपड़े पर भी एक स्कर्ट बनाकर बताऊंगी, तो ये मैं बनाऊंगी इलास्टिक वाली। अब मैं इस कपड़े से आपको एक हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाकर बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आप 2 तरह की स्कर्ट बनाते हैं, या तो उसमें डोरी डालते हैं, साइड जिप लगाते हैं, या आप इलास्टिक लगाते हैं। तो मैं इसे इलास्टिक वाली स्कर्ट बनाऊंगी। तो देखिए, इसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है। लेंथ हम इसमें लेंगे 39 इंच, कमर इसमें है 24 इंच, और हिप राउंड है यहाँ पर 31 इंच। तो ये आप देख सकते हैं, हमें इलास्टिक डालनी है, तो हम काय का मेज़रमेंट लेंगे, हिप राउंड का, पूरे में इलास्टिक डालनी है, तो 31 इंच। तो आप यहाँ पर देखिए 31 इंच ये है ना, तो आप हाफ अम्ब्रेला के लिए लेंगे 9.9। तो मैं इसी मेज़रमेंट से आपको इस कपड़े पर अब एक स्कर्ट काट कर बताऊँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, ये मेरा है मेन फैब्रिक और ये है अस्तर, ये दोनों ही 3 मीटर हैं। तो देखिए, लाइनिंग मेरी 3 मीटर है, लेकिन उसका अर्ज है 40 इंच, है ना, बड़े पने का कपड़ा है। लेकिन जो मेरा मेन फैब्रिक है ये भी 3 मीटर है, लेकिन इसका अर्ज है 43 इंच।
तो हमेशा हमें जो घेर होता है वो लाइनिंग से मेन फैब्रिक का घेर हमेशा हमें ज़्यादा लेना चाहिए। तो दोनों के जो अर्ज हैं उसमें अंतर होता है, तो ऑटोमेटिक मेन फैब्रिक का ज़्यादा घेर आ जाएगा तो वो पहनने में ईजी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि अस्तर का तो हमारा घेर ज़्यादा हो जाता है और मेन फैब्रिक कम हो जाता है, तो उसका जो घेर है वो फंसा फंसा सा हो जाता है। इसलिए हमेशा जो अस्तर के अंदर का जो आप बनाए अस्तर, उससे मेन फैब्रिक का घेर हमेशा ज़्यादा लें। तो ठीक है, अब हम यहाँ अस्तर के ऊपर अपनी स्कर्ट कट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और अब हम इसे, और यहाँ पर इसकी ये फोल्डेड साइड है, अब हम इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसे कपड़े को ढककर ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया। अब जो ऊपर का कॉर्नर दिख रहा है ना, वहाँ पर हमको कमर का नाप लगाना है। तो हमने पेपर में देखा था ना, हमारी कमर है 31, तो हमको लेना है 9.9, क्योंकि ये हाफ अम्ब्रेला है। तो देखिए मैं कैसे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, अब हमने जो कमर का निशान था वहाँ से इंची टेप रखा और मेरे को देखनी है लंबाई। तो 39 लंबाई पर मैंने देखिए नीचे का निशान लगा दिया है ना, यहाँ तक हमें 39 लंबाई लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इंची टेप को ऊपर से रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से ऊपर से जब हम इंची टेप रखेंगे ना, तो ये टोटल आ रहा है 49। तो हम इसी तरह से 49 लेते हुए पूरा निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने पूरा 49 लेते हुए यहाँ से पूरी गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कट करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर, देखिए ये दो पर्दे हमारे छोटे हैं और दो पूरे लंबाई के हैं, तो ये जो फैब्रिक है ना, यहाँ से हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ जो किनार वाला कपड़ा होता है वही कपड़े का जोड़ निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने जो किनार वाला कपड़ा था ना, वही इस किनार के ऊपर रखा और मैंने पिनअप कर दिया। अब हम इसी को पलटेंगे और जो नाप होगा उसी नाप से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, अब हमने इस कपड़े को पलट लिया है ना, तो ये स्कर्ट की आपको फुल लंबाई दिख रही है। अब इसी नाप से आप इसे यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस कपड़े को भी कट कर लिया और हमारे अस्तर का फुल कपड़ा अब कट हो गया है। अब हम इसी तरीके से अपना मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो देखिए, अब मैंने इस मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है। अब मैं इसे भी ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे भी ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया और अब इसके ऊपर मैं अपने अस्तर के कपड़े को बिछा लूँगी। तो देखिए, ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, तो यहाँ पर नीचे इसमें जोड़ कम आएगा। यहाँ तक तो ये फोर फोल्ड ये कपड़ा ही आ गया है। तो अब आपको इसे सेम कट करना है, तो कमर हम सेम कट करेंगे, लेकिन नीचे से हम इसमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट ज़्यादा करेंगे। तो 1 इंच कपड़ा आपको यहाँ से ज़्यादा कट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 1 इंच ज़्यादा कट कर लिया है, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब हम ऊपर से भी कट कर लेंगे इसे और हमारे दोनों कपड़े एक साथ कट हो गए हैं अब। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने ये किनार किनार के ऊपर ओवरलैप करके रख ली थी ना, और ये अपना हिस्सा ये वाला कट कर लिया था, तो देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक पर भी मैंने ये किनार वाला कपड़ा इस तरह से ओवरलैप करके रखा। और फिर हम इसे क्या करते हैं, पलट लेते हैं। पलटने के बाद ये सेम नाप से आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो हमारे ये जो कपड़े हैं ये बिल्कुल हमारे नाप के निकल आते हैं। ये यहाँ पर हमें जोड़ लगाना है ना, ये कपड़े उसी नाप के निकल आएंगे नीचे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इस कपड़े में इनके जोड़ लगा लें और यहाँ अस्तर वाले कपड़े में इस कपड़े का जोड़ लगा लें, है ना। तो हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जोड़ लगा लिया है और इसे लगाने से पहले हमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई जोड़ नहीं था, तो पहले मैंने इन दोनों टुकड़ों को सिल लिया है ना, और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से मिलाकर जोड़ लगा दिया, तो हमारे दोनों कपड़े एक साथ इसमें अटैच हो गए। सेम इसी तरीके से हम इसमें जोड़ लगाएंगे मेन फैब्रिक में। तो पहले हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए, मैंने इन दोनों कपड़ों को यहाँ से जोड़ लिया है, तो ये हमारा एक पीस हो गया। अब इसी जोड़ को यहाँ इसका जो सेंटर है यहाँ पर हम रखेंगे, और अब आपको ये दोनों किनार यहाँ जोड़ के लिए आप हमेशा किनार वाला कपड़ा लें, वो ऑटोमेटिक कटिंग के बाद किनार वाला कपड़ा ही बचता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं जोड़ लगाना शुरू करूँगी।
तो इस तरह से हम सिलाई करते हुए इस पूरे कपड़े को यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर भी जोड़ लगा लिया है और यहाँ देखिए ये इस तरह से जितना कपड़ा ओवरलैप करके रखा था उतना ही हिस्सा मैंने यहाँ सिलाई कर दिया है। तो अब हमारा ये पूरा घेर ऑटोमेटिक एक सा आया है। देखिए अब आपको सिर्फ इसे यहाँ से कट करना है ना। सेम यही आपका इस साइड आया है। तो ये देखिए घेर हमारा एक सा जुड़ गया और ये सेंटर था ना यहाँ से ये जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो अस्तर का कपड़ा था उसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो इसका बॉटम हम थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर में गैप भी आ जाता है और बॉटम थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करते हैं तो उसमें लुक भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसका बॉटम फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए हमने इस कपड़े को और अपने मेन फैब्रिक को बराबर का काटा था तो मैंने यहाँ पर है ना चौड़ा बॉर्डर फोल्ड किया, ये देखा आपने। तो हम जब इसको इतना चौड़ा फोल्ड करेंगे और हमारे मेन फैब्रिक को सिर्फ 1 इंच फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पूरा फोल्ड कर लिया है और अब हम इसके बाद मेन फैब्रिक फोल्ड करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका मेन फैब्रिक सॉफ्ट कपड़े का है तो आपको इसे रात भर लटका कर रखना है ना, उसके बाद बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आपने अगर जैसे इसको रात भर लटका के रखा उसके बाद आप इसका बॉटम कैसे कट करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या तरीका है कि आपको अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल इसे बराबर से इसकी कमर को इस तरह पकड़ लें और इसे पिनअप कर लें। पिनअप करने से क्या होगा, ये बिल्कुल भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पिनअप कर लिया। अब आपको इसे इस तरह से फोल्ड करना है 3 या 4 बार जैसे भी आप प्लेट्स लगा सकें। अब यहाँ पर मैंने इसे एक बार फिर से पिनअप कर दिया। अब हमारी कमर से ये हिस्सा बिल्कुल बराबर होगा और आप इसे इस तरह से पकड़ें। तो जब आप इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे बिछाएंगे तो आपका नीचे की साइड से हल्का सा ये देखिए ये दिख रहा है आपको, हल्का सा ये ऊंचा नीचा रहेगा। तो देखिए ये जो हल्का फुल्का हमारा ये घड़ी करने पर ऊंचा नीचा आया है ना, इसे हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए अब हमारी सारी लेयर बिल्कुल बराबर में आ गई हैं और ये हमारी कटिंग निकल गई है। अब हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका भी बॉटम फोल्ड कर लिया है और इसे हमने सिर्फ 1 इंच का फोल्ड किया जिससे अब हमारे दोनों कपड़ों में गैप भी हो गया है और बॉटम फोल्ड हो गए हैं। अब हम कमर अटैच करेंगे अस्तर के साथ। तो ये देखिए इसे आप बराबर से इस तरह पकड़िए और यहाँ एक सेंटर मार्क कीजिए। अब इसे हम इस तरह से खोल कर रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े की कमर को अटैच करेंगे। तो इसका भी मैं एक सेंटर मार्क ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों को यहाँ से हम पिनअप कर देते हैं। अब आपको यहाँ से इसे मिलाकर अटैच कर देना है। कमर पर से हम 1 फुट की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। तो इस पूरे कपड़े को यहाँ इस तरह से हम अटैच कर देते हैं। और अगर आपका कपड़ा जो अस्तर का कपड़ा है वो ज़्यादा नहीं खिंचता है, लेकिन अगर मेन फैब्रिक आपका सॉफ्ट हो और ज़्यादा खिंच जाए अगर, तो आप यहाँ पर 1-2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इन दोनों को किनार से अटैच कर लिया है पूरा। और अब आपको इसमें बेल्ट अटैच करना है। तो जितनी इसकी ये कमर है उतना बड़ा आप एक बेल्ट कट कर लीजिए। तो देखिए मेरा चूंकि ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है थिक है तो मैंने इसके अंदर अस्तर की पट्टी नहीं लगाई है। अमूमन आप इसमें अंदर अस्तर की पट्टी लगाएं। तो कमर के बराबर तो आपको ये इसकी लंबाई लेनी है और मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच, क्योंकि हमें 1 इंच का बेल्ट लगाना है तो 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा ना इस तरह से, तो ये 1 इंच हो जाएगा। तो मैंने इसे 3 इंच का लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ से पूरी कमर में अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इसके साथ बेल्ट को सिल लिया है ना। अब हम इसमें साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से इसे उल्टा डबल फोल्ड कीजिए। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी सिर्फ यहाँ तक है ना,
यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो इस तरह से तिरछा रखेंगे और इसे यहाँ पूरा नीचे तक सिल देंगे। इस तरह से तिरछा रखना है इसे मेन फैब्रिक को, और यहाँ से इसे पूरा सिलना है। जब हम इसे सिल लेंगे तो इसे हटाकर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसकी। तो इस चीज़ का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अम्ब्रेला स्कर्ट में इस तरह से अस्तर किस तरह ज्वाइन किया जाता है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कमर ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक इसे सिला है और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से तिरछा निकाल दिया है और इस पूरी सिलाई को सिल लिया है ना। अब जब मैं इसे पलटूंगी तो ये देखिए, यहाँ से जहाँ सिलाई ख़त्म हुई थी उसके एक इंच ऊपर से मैंने इसे सिला है। तो इस तरह से जब आप ये अस्तर को ज्वाइंट करेंगे तो आपकी बाहर की साइड से बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल ये दोनों पीस अलग अलग हैं और फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आई है। तो इस तरह से हमने कमर भी ज्वाइंट कर ली अपनी। अब हमको सिर्फ इसमें इलास्टिक डालनी है। तो देखिए, मैंने इसे कट किया था हिप राउंड के हिसाब से, अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे कमर के नाप से। तो कमर यानी वेस्ट हमारी थी 24, तो 24 में से आप 4 इंच कम कर लीजिए। वैसे कई लोग 5 इंच भी कम करते हैं, पर 1 इंच तो ओवरलैप होके सिलाई में ही आ जाएगी, तो हम यहाँ पर 4 इंच कम कर लेते हैं। तो 20 इंच की मैं एक इलास्टिक कट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये इलास्टिक पर भी डिपेंड करता है, कई इलास्टिक बहुत टाइट होती हैं तो उनमें इतना ज़्यादा खिंचाव नहीं आता है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, 24 कमर थी, उसमें से मैं 4 इंच कम कर दूंगी, तो यहाँ पर 20 इंच की इलास्टिक मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इसे ओवरलैप भी करेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल कमर की फिटिंग आ जाएगी। तो अब आपको उसका नेफा बनाना है। तो ये जो बेल्ट हमने बनाया है इसे इस सिलाई के मार्जिन को छुपाते हुए आपको फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे और बाकी हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। तो बाहर से और अंदर से बिल्कुल अच्छे से ये फिनिशिंग आ जाएगी। और आप चाहें तो पूरे बेल्ट को पिनअप कर लें इस तरह से और फिर सिलाई लगाएं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़ना है। कहीं भी पूरे बेल्ट में आप 2 इंच का गैप छोड़ दें जिससे हम इलास्टिक पास कर सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नेफे को पूरा स्टिच कर लिया है और यहाँ से मैंने ये गैप रखा है जिससे मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो आप इलास्टिक में इस तरह से पिन लगाएं और यहाँ से इसे सीधा ही, ये आप ध्यान रखें कि ये ऐसे पलटे नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ही अंदर जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं इन दोनों को पहले पिनअप कर दूँगी जिससे कि कोई भी हिस्सा अंदर की साइड नहीं जाए। और अब हम इसे पूरे में एक सा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इलास्टिक अंदर डाल दी और इसे इस तरह से ओवरलैप करके सिलाई भी लगा दी है ना। अब हम इसे यहाँ से भी पूरा पैक कर लेते हैं, बस उसके बाद हमारी स्कर्ट रेडी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्कर्ट में ये बेल्ट लगा लिया है और हम इसे 2-3 बार इस तरह से करेंगे ना तो चारों तरफ बराबर से चुन्नटें आ जाती हैं। और देखिए, इसका जो घेर आया है ना वो पूरा 4 मीटर का यहाँ पर घेर आया है। अब मैं इसे आपको डमी पर लगाकर दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आया है। तो देखिए, इस तरह से इसका लुक आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।